लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। लगभग 18 साल पहले अपने पति ने जलती लालटेन अनीता के चेहरे पर फेंक दिया था। अनीता पार्कर मैरी के कपड़ों में आग लग गए और आग ने उसके शरीर के ऊपरी भाग को घेर लिया। लेकिन हालत तो देखिए साहब, शरीर का 50% से ज्यादा हिस्सा आग में झुलस गया, फिर भी जान बच गई। इतना सब होने के बाद उसका जला हुआ शरीर अनीता को बाहर जाने से रोकता रहा। पिछले हफ्ते 40 साल की अनीता ने अपने सपनों की उड़ान भरी। अनीता ने एक एनजीओ की मदद से पूर्वी बेंगलुरु के लिंगराजपुरम के पास नारिलोक की दुकान खोली। 3 महीने पहले अपने पति की मृत्यु के बाद अनीता ने खुद के लिए कुछ करने का सोचा और जिदंगी जीने के लिए पैसे कमाने का फैसला लिया। गिल्ड ऑफ विमेन अचीवर्स नाम के एक निजी संगठन ने दुकान की स्थापना में अनीता की सहायता की। गिल्ड की संस्थापक प्रिया सिंह एक ऐसी महिला है जो एक एसिड अटैक झेल रही अनीता की जैसी कई महिलाओं के लिए काम करती है। पिछले दिनों के बारे में बात करते हुए अनीता बताती हैं कि मेरे पिता एक एंग्लो इंडियन थे, इसलिए तिरुची में उनके घर में अंग्रेजी ही बोली जाने वाली भाषा थी। जब हम जवान थे तब मेरी माँ ने हमें छोड़ दिया और मुझे अपने युवा भाइयों की देखभाल करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। मेरे पति मेरे से 20 साल से अधिक उम्र के एक इलेक्ट्रीशियन थे। एक दिन मेरे पति ने मुझे घर के बाहर खड़े होकर लड़ाई देखते हुए देख लिया। गुस्से में उसने मेरे चेहरे पर एक जलती लालटेन फेंक दी और मेरे कपड़े आग लगी। मुझे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और बचाया गया, लेकिन निशान अभी भी रहते हैं। डॉक्टरों ने प्लास्टिक सर्जरी का सुझाव दिया, लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। अनीता ने बताया कि कुछ साल मैंने लोगों के घरों में खाना बनाकर गुजारा किया, लेकिन हर जगह मेरी शक्ल आड़े आती रही। एक बार एक अतिथि जो घर आया था और पूछा, तुमने उसे क्यों रखा है? वह बहुत बदसूरत है।